नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा के एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित भाजपा, मध्य प्रदेश विधानसभा में की शक्ति परीक्षण की मांग। मध्य प्रदेश में विपक्षी नेता गोपाल भार्गव ने किया दावा, कहा भाजपा में आने के लिए उतावले हो रहे हैं कांग्रेसी विधायक। चुनाव नतीजों से पहले ही बागियों पर गाज गिरना शुरू, सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को किया बर्खास्त। ओपी राजभर के साथ साथ उनके बेटे पर भी गिरी गाज, अरविंद राजभर की भी निगम के अध्यक्ष पद से कर दी छुट्टी। राजभर की पार्टी के समस्त दर्जा प्राप्त मंत्रियों पर भी गिरी गाज, बर्खास्तगी के फैसले का ओम प्रकाश राजभर ने किया स्वागत। राजभर की बर्खास्तगी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले पिछड़ों के हक की लड़ाई के नाम पर किया शुद्ध रूप से नाटक। एग्जिट पोल आने के बाद से यूपी की सियासी उठापटक तेज, मायावती से मिलने उनके आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव। मायावती अखिलेश के बीच करीब एक घंटे तक हुई बातचीत, दोनों नेताओं ने एग्जिट पोल के अनुमानों को लेकर की चर्चा। लोकसभा के एग्जिट पोल के नतीजों में फंसी दो हॉट सीटें, मुलायम की मैनपुरी और राहुल की अमेठी में दांव पर लगी है प्रतिष्ठा। एनडीए की सत्ता में वापसी के अनुमान के बाद सक्रिय हुई भाजपा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सहयोगियों को डिनर पर बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म का पोस्टर लॉन्च, लिखा आ रहे हैं दोबारा मोदी, अब कोई रोक नहीं सकता। बायोपिक फिल्म की दिल्ली में रखी गई है स्पेशल स्क्रीनिंग, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को किया गया आमंत्रित। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने राज्य में बड़ी जीत का किया दावा, बोले सबरीमाला मंदिर के मुद्दे का चुनाव पर नहीं पड़ा असर। एग्जिट पोल को लेकर बोले झारखंड के सीएम रघुवर दास, बंगाल और ओडिशा से हो जाएगी यूपी के नुकसान की भरपाई। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारते हुए किया ट्वीट, का स्ट्रांग रूम पर रखें कड़ी नजर, कामयाब ना होने दे चाल। लोकसभा के नतीजों से पहले शिवपाल यादव को लगा झटका, प्रसपा प्रत्याशी दिलीप बघेल ने दिया पार्टी से इस्तीफा। चुनाव नतीजों से पहले शिवसेना ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा रेंगने वाली गठबंधन सरकार देश के हित में नहीं। एग्जिट पोल के बाद विपक्षी दलों में बड़ी हलचल, गठबंधन को लेकर आज ममता बनर्जी से मिलेंगे सीएम नायडू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी के प्रचार के लिए रचा गया एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बोले योग गुरु बाबा रामदेव, का सत्य सिद्ध हो रही है वेद और ऋषियों की बातें। दिल्ली पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कुछ दिन दिल्ली में रहकर करवाएंगे पैर का इलाज। एग्जिट पोल दिखाने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने टीवी एंकर पर कसा तंज, बताया कैंडी स्टोर में छोड़े गए बच्चे। एग्जिट पोल के बाद शिवसेना ने चंद्रबाबू नायडू पर कसा तंज, पार्टी राज्य में हारने की कगार पर, लेकिन खुद सक्रिय है दिल्ली की चाबी के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की 900 से अधिक शाखाएं होंगी बंद, देना और विजया बैंक की शाखाओं की एकत्रित की जा रही है जानकारी। पांचवा बाद यातायात के लिए खुला रोहतांग दर्रा, भारी बर्फबारी के कारण दिसंबर 2018 में किया गया था बंद। लोकसभा चुनाव के बाद कल एनडीए की होगी बैठक, जीतने वाले उम्मीदवारों को देर रात दिल्ली पहुंचने का दिया जाएगा निर्देश। एग्जिट पोल के नतीजों पर पप्पू यादव ने तेजस्वी पर लगाया आरोप, बोले अहंकार और अपरिपक्वता के कारण दिख रही एनडीए की बढ़त। तेजस्वी ने ट्वीट कर दिया विपक्षियों को करारा जवाब, ट्वीट कर लिखा एग्जिट पोल से ना हो खुश, जीतेगी हमारी पार्टी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त, बोले हमने साथ ना दिया होता तो लालू की नहीं बढ़ती प्रतिष्ठा। भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया बड़ा दावा, बोले सभी सातों सीटें जीतेगी भाजपा, तीसरे नंबर पर रहेगी आप। कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत, शारदा चिटफंड मामले में गिरफ्तारी की लटकी है तलवार। मानहानि मामले में सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए एमजे अकबर, रमानी के मीटू आरोप को बताया दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक। केंद्र की याचिका पर IL&FS घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, कंपनी के पूर्व MD हरी शंकरण को भेजा नोटिस। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, बताया ये भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी उपलब्धि। भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक, ट्विटर पर लिखा आएगा तो राहुल गांधी ही। एग्जिट पोल पर चेतन भगत ने मोदी विरोधियों के लिए किया ट्वीट, पूछा सवाल अब किसे देंगे दोस्त। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब सरकार में बढ़ रहा है तनाव, कई मंत्रियों ने भी साधा निशाना, बताया अनुशासनहीन। अमरिंदर सिंह और सिद्धू विवाद पर नवजोत कौर ने दिया बयान, बोली सभी 13 सीटें ना मिली तो कैप्टन को देना चाहिए इस्तीफा। गुजरात के दाहोद में पानी बर्बाद करने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, तीसरी बार में काटा जाएगा कनेक्शन। पानी की विकट समस्या की समीक्षा करने पहुंचे कांग्रेस के नेता, प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दाहोद के लोगों से की मुलाकात। किसानों के सामने पैदा हुई घास और चारे की विकट समस्या, गांव में खेती और पशुओं के पीने के पानी की नहीं हो रही है व्यवस्था। रेटिया डोकी गांव में 3 किलोमीटर दूर से पानी लेने को मजबूर हुई महिलाएं, सूखी नदी के अंदर गड्ढा खोद कर निकालना पड़ रहा है पानी। अमित चावड़ा ने राज्य सरकार से की समस्या से निपटने की मांग, बोले यदि सरकार ने नहीं की सुनवाई तो करेंगे उग्र आंदोलन।
गांव के पास से ही गुजर रही है कडाणा डैम की पाइपलाइन, सिंचाई विभाग के कारण गांव वालों को नहीं मिल पा रहा है पानी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास की अमर्यादित टिप्पणी का राहुल गांधी का डीएनए ही खराब। 5 मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान का सुपड़ा साफ, आखिरी एक दिवसीय में इंग्लैंड ने 54 रन से हराया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला, 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 351 रन। जवाब में 297 रन पर ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड की तरफ से क्रिस बॉक्स ने झटके 5 विकेट। इंडिया ओपन के दूसरे चरण में दिखेगा मैरी कॉम का पंच, 16 देशों के 200 मुक्केबाज भी दिखाएंगे अपना दम। विश्व कप से पहले अफ्रीकी कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने दी अहम सलाह, का सुपरमैन बनने की कोशिश ना करें खिलाड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।